हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके इंटरनेट पे कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कौन कौन आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल में एंग्री आईपी स्कैनर। एंग्री आईपी स्कैनर वो टूल है जिसकी मदद से हम अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे। नेटवर्क को स्कैन करने की हमारे पास दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि आप अपना नेटवर्क चेक करना चाह रहे हैं कि कोई इररेलीवेंट यूज़र तो आपके नेटवर्क पर कनेक्टेड नहीं है, और दूसरी रीज़न ये होती है कि आप अपना नेटवर्क स्कैन करना चाह रहे हैं, आप कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में हैं, ऑफिस में हैं, ऑफिस के आई टी डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, या आउट ऑफ क्यूरोसिटी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि आपके नेटवर्क पर कितनी डिवाइसेज मौजूद हैं, आपके ऑफिस में कितने डिवाइस, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने आईपी कैमरास हैं, कितने प्रिंटर्स हैं आपके नेटवर्क पे। तो ये चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डाउनलोडेड सेटअप है हमारे पास आईपी स्कैन का। लेट्स ओपन दिस। नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये आईपी स्कैनर हमारे पास, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे ताकि तमाम राइट्स इसके पास हों। ओके, इस मैसेज विंडो को क्लोज कर देंगे। आपका जो आईपी रेंज है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं और आप आईपी रेंज चेंज करके देना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसी के साथ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा नेटवर्क स्कैन हो रहा है। नॉर्मली एक छोटे नेटवर्क में 254 आईपीज होते हैं, 254 अवेलेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो ये सारे आईपीज को स्कैन कर रहा है मेरे नेटवर्क पे, जितने भी पॉसिबल आईपीज हैं उनको स्कैन कर रहा है, और जो आईपी किसी डिवाइस को असाइन होया हुआ है वो उसकी इंफॉर्मेशन ये फेच करेगा। अब मेरा एक छोटा नेटवर्क है, होम नेटवर्क है, इसके साथ 3 या 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं मैक्सिमम। सो ये हमारे पास 38 सेकंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और आईपी रेंज जो इसने स्कैन की है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है 254 होस्ट को इसने स्कैन किया है, और 4 अलाइव होस्ट। अलाइव होस्ट मीन मेरे नेटवर्क पे मौजूद डिवाइसेस। हम इसको सॉर्ट बाय पिंग कर लेते हैं, तो जो भी डिवाइसेस हमारे नेटवर्क पे मौजूद हैं वो टॉप पे शो हो जाएंगे। 4 डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क पे मौजूद हैं, बाकी तमाम आईपीज जो आपको रेड मार्कर के साथ शो हो रहे हैं वो कोई डिवाइस नेटवर्क पे मौजूद नहीं है, 4 डिवाइसेस नेटवर्क पे मौजूद हैं। कुछ ऑप्शंस को फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं। प्रेफरेंसेस में जाके सिर्फ वो होस्ट शो करवा सकते हैं, सिर्फ वो डिवाइसेस शो करवा सकते हैं आउट ऑफ 254 या 255 जो कि अलाइव हैं। सो अब जब हम स्टार्ट करेंगे, अब जब हम स्कैन स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास सिर्फ अलाइव होस्ट शो होने चाहिए, सिर्फ वो डिवाइसेस शो होनी चाहिए जो आपके नेटवर्क पे मौजूद हैं, तमाम आईपीज शो नहीं होने चाहिए। 192.168.100.7 पर एक डिवाइस मौजूद है जो कि मेरा पीसी है,
उसके बाद ग्रीन में जो आपको आईपी शो हो रहा है 192.168.100.1, ये मेरा राउटर है, ये आपको ग्रीन में शो हो रहा है। और उसके बाद दो डिवाइसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये मोबाइल डिवाइसेस हैं जो कि मेरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है, 4 अलाइव होस्ट हैं और वही हमारे पास शो हो रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? सो यहाँ से आप फीचर्स में जाके जो अलाइव होस्ट जो डिवाइसेस आपके नेटवर्क पे मौजूद हैं, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स शो करवा सकते हैं। सो यहाँ हम ओके करेंगे, दोबारा से स्कैन करेंगे, स्टार्ट स्कैन। सो अब आप देखें कि जो भी डिवाइस हमारे पास शो हो रही है वो विद मैक्सिमम डिटेल्स शो हो रही है, ठीक है। तो आपका नेटवर्क स्कैन हो रहा है, इसमें आपको पिंग शो हो रहा है कि पिंग कितनी देर में वापस आया है, होस्ट नेम आपको शो हो रहा है, डिवाइस का होस्ट नेम क्या है, पोर्ट्स जो स्कैन हुई हैं, मैक एड्रेस शो हो रहा है आपके पास, मैक वेंडर शो हो रहा है, मैक वेंडर रिजॉल्व हो के आपको शो हो रहा है। अब ये देखें कि आपके पास आउट ऑफ 4 डिवाइसेस 2 डिवाइसेस का मैक वेंडर शो हो रहा है। मैक वेंडर क्या है कि जिस वेंडर का, जिस कंपनी का नेटवर्क कार्ड इस डिवाइस में लगा हुआ है। सो जो पहले नंबर पे डिवाइस है ज़ीशान पीसी, जो कि मेरा पीसी है, उसमें इंटेल कॉरपोरेशन का नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है। ओके, लैपटॉप आल दो मेरा लिनोवो का है लेकिन नेटवर्क कार्ड जो है वो इंटेल का लगा हुआ है। सो मैक एड्रेस जो होता है वो बाइंड होता है आपके नेटवर्क कार्ड के साथ। दूसरे नंबर पे राउटर है, राउटर हुआवे का है, सो उसका नेटवर्क कार्ड भी हुआवे का है। थर्ड और फोर्थ जो डिवाइस है उसका मैक वेंडर रिजॉल्व नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली जो मैक वेंडर की डेटाबेस है, जो पब्लिक डेटाबेस है, उसमें ये एंट्रीज नहीं है और उस डेटाबेस में इस मैक की डिटेल्स नहीं है। हमारे पास एक और मेथड होता है मैक वेंडर चेक करने का, अगर आपके पास किसी भी डिवाइस का मैक है तो आप चेक कर सकते हैं ये किस मैन्युफैक्चरर ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, लेकिन हमेशा आपको सिर्फ वही डिटेल्स शो होंगी जो डेटाबेस में मौजूद हैं। सो एक मैक चेक करते हैं जो जहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ। चेक मैक वेंडर लिखें, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं मैक चेक करने के लिए। यहाँ पे आपने मैक एड्रेस ड्रॉप किया है, नॉट फाउंड का आपके पास एरर शो हुआ है, एरर कह लें या मैसेज कह लें। तो कुछ डिवाइसेस का मैक हमारे दोनों डेटाबेसेस में रिजॉल्व नहीं हुआ। सो इस तरह से आप अपना नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं आपके नेटवर्क पे कितनी डिवाइसेस मौजूद हैं, किस वेंडर की हैं। काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाता है कि कोई इररेलीवेंट डिवाइस तो एडेड नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो इररेलीवेंट डिवाइसेस आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती हैं आप उनको ब्लॉक किस तरह से कर सकते हैं। अनटिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।